नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाहिद। तो चलिए एक खबर की ओर ले चलते हैं। खबर की ओर ये है, कृषि विभाग खाद, आखिर हमारे बिहार के अंदर लगातार 9 महीनों से खाद की किल्लत क्यों हो रही है। अब बिहार सरकार के ऊपर अगर हम बात करें, लोग बोलते हैं सुशासन, खुद बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है, जब तक सुशासन बाबू रहेंगे तब तक इस तरह का काम और कांड होगा। तो चलिए आज हम महर्षि मही कुमारखंड प्रखंड के स्कूल कैंपस के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ जो लोग हैं यहाँ पे, ये कोई प्रतिनिधि नहीं है ना कोई बड़े पदाधिकारी है, ये एक गरीब किसान को जो मूल्य रूप से खाद देते थे, ये वो लोग हैं जिसको हम लोग दुकानदार कहते हैं, जिसके पास बिहार सरकार का लाइसेंस है इन लोगों के पास, और बिहार सरकार को सालाना GST भी भुगतान करते हैं। तो अब इन लोगों के साथ समस्या क्या है? समस्या ये है कि खाद इन लोगों को सही रूप से और जो पैसे की कीमत होती है, मतलब जो रेट होता है, इन लोगों को नहीं मिलता है, तो ये किसान को कहां से देंगे। तो चलिए इन लोगों के जो अध्यक्ष है, जो संघ के अध्यक्ष है कुमारखंड प्रखंड के, उन लोगों से बात करते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर समस्या क्या है, आखिर इतना बड़ा समस्या कैसे हो गया कुमारखंड प्रखंड के अंदर कि इन लोगों को अपना दुकान छोड़ के आज कैंपस के अंदर, महर्षि मही स्कूल जो है उसके कैंपस के अंदर इन लोगों को धरना देना पड़ा। तो चलिए सबसे पहले उनसे मिलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार सिंह। ये बताइए किस चीज़ की बैठक क्या है यहाँ पे? क्या यहाँ जो है कुमारखंड प्रखंड के जो है खुदा उर्वरक व्यवसायी हैं उनका बैठक है। हम लोगों का मांग है जो उचित मूल्य पर जो है होलसेलर रिटेलर वाले को उर्वरक उपलब्ध कराए, प्रिंट से ज़्यादा रेट में देते हैं, और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जो हम लोगों से शपथ पत्र लिया गया है, जो किसान को तेज में कोई भी चीज़ नहीं देना है, उर्वरक के साथ कोई चीज़ नहीं देना है, लेकिन ऊपर से होलसेलर वाला टेक देता है, प्रिंट रेट से ज़्यादा में खाद देता है। वैसे और भी फॉस्फेटिक खाद हैं, जैसे DAP हुआ, मिक्सर हुआ, वो प्रिंट रेट से 5-7 रुपया कम में देता है। अच्छे सवाल हो रहे हैं, लेकिन सरकार सरकार का रेट है वो कितना है? जैसे यूरिया का 266 रुपया है, DAP का जो है 1200 रुपया है, और मिक्सचर NPK जो होता है वो परसेंटेज पर निर्धारित होता है, जैसे 20-20, 0-16 है, 15-15-15 है, सबका अलग अलग है। अच्छा, यूरिया कितने में लाते हैं आप लोग? यूरिया जो है 266-50 जो है उससे ज़्यादा में 280-290 में यूरिया FOR देता है अभी। ये गवर्नमेंट रेट है? नहीं, रेट तो 266 रुपया बेचने का रेट है, ये MRP है, बेचने का रेट है 266 रुपए MRP रेट है जो सरकार ने निर्धारित किया किसान के लिए, किसान को देने के लिए, रिटेलर को। अब ये बताइए कि आप रिटेलर हैं? हाँ, रिटेलर हैं। जब आप होलसेलर जाते हैं, जब आप अपने जिला के होलसेलर जाते हैं, वहाँ पे कितना दाम पे मिलता है? वही तो बताए, 290-280 रुपया में FOR दुकान तक पहुंचा देता है। कोई तालमेल ही नहीं है MRP से, कोई तालमेल नहीं। अब हमारा सवाल उठता है कि खाद MRP से ज्यादा क्यों लेते हैं? या हो सकता है अगर हम इसमें बात करें तो बड़े बड़े लोगों का पोल खुल जाएगा, मगर हम सबसे पहले छोटे लोगों का पोल खोलेंगे, इसलिए प्रखंड पदाधिकारी के पास आते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर के BO साहब हैं। इस चीज़ को जब इतना बड़ा समस्या आप लोगों के साथ हो रहा है, कभी आपने बड़े पदाधिकारी BO साहब या DO साहब को आज तक आप DAP का क्या रेट लगाता है? अध्यक्ष साहब वो भी रेट बता देते ना, एजेंसी वालों क्या रेट लगाता है आपको DAP का, और क्या रेट पर बेचना चाह रहे हैं? DAP क्या रेट लगाता है? DAP क्या रेट लगाता है वो रेट बताइए, और क्या रेट बेचने के लिए बोल रहा है? देना है हम लोगों को 266-266 में। आपको कितना देता है होलसेलर? उसका कोई ठिकाना नहीं, कभी 80 कभी 90। क्या 80-90 मतलब? 280-290। ये आपको होलसेलर वाले देते हैं, और जो प्रॉपर्टी दाम है, जो सरकार का दाम है, वो कितना है? 266। इस चीज को लेकर क्या मांग करते हैं? इसी लेकर के पहले हम लोग आपस में बैठ करके विचार करके पहले प्रखंड कृषि पदाधिकारी के यहाँ जाएंगे, इसलिए बैठक किया।
और फिर वहाँ से हम लोग जिला कृषि पदाधिकारी के यहाँ जाएंगे, इसलिए बैठा। क्या नाम हो आपका? जोगेंद्र यादव। घर? क्या नाम, आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मिंटू संजीव कुमार चौधरी, ऐसे मेरा मिंटू बीज भंडार के लक्ष्मीपुर भगवती के नाम से है दुकान है। हमारा कहना है कि सब जैसे डीएपी का रेट 1200 एमआरपी है, किसान को 1200 में डीएपी देना, हम लोगों को 1170 से 75 रुपया लगाता और उसके बाद किराया अलग से लिया, वो 26 रुपया हम लोगों को भाड़ा पड़ जाता, तो लगभग 99 रुपया 1199 रुपया आकर के डीएपी हम लोगों को पड़ जाता। फिर हम लोग 1200 में डीएपी किस तरह बेचें, और उसके साथ भी टैग है। अभी जैसे हम लोग डीएपी लिए हैं तो उसमें हम लोगों को कैल्शियम टैग करके दिया गया, जो कैल्शियम का दाम 48 रुपया मार्केट में है, खुलेआम 50 में बिकता था, वो कैल्शियम अभी 60 से 65 रुपया हम लोग को लगा के दिया गया, और वो कच्ची बिल पे। अभी बिल जो काटता है वो अभी भी डीएपी का 1100 रुपया कट रहा है, और लिया जा रहा है हम लोग को 1300 से 1400 रुपया। हम लोग अकाउंट में पैसा डालते हैं, अगर हम लोग झूठ बोलते हैं तो हम उनका अकाउंट को ऑडिट करवा देंगे कि हमारा पैसा कितना डाला गया और हमको माल कितना दिया, तो मेरा ड्यूज अगर चल रहा है तो वो पैसा वापस कर दे, अन्यथा नहीं तो हम सही हैं। हम इससे ज्यादा सबूत और कुछ नहीं कर सकते। हम सारे एजेंसी वालों को अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करते हैं, और किस रेट से देते हैं वो हमको बिल दे, पक्की बिल। अच्छा, कौन कौन सा एजेंसी वाले को आप? सारे एजेंसी मधेपुरा के अंदर जो भी एजेंसी है, चाहे वो मुरलीगंज का एजेंसी हो या मधेपुरा बालाजी एजेंसी हो, मनोज एग्रीकल्चर हो, मेसर मैंने जो भी है एजेंसी, जितना है जो भी अपने प्रखंड के देते हैं माल मुहैया कराते 12 प्रखंड को। अच्छा, हम उस एजेंसी वालों की बात कर रहे हैं, वही भी रिटेलर खुल के बोलना नहीं चाहते हैं, इसके पीछे भी एक राज है। अगर हम आज रिटेलर किसी एजेंसी वालों का विरोध कर दे, कल हमारा माल बंद हो जाएगा और हमारा लाइसेंस रद्द करवा दिया जाएगा, ऐसा ऐसा पॉइंट बनाया गया। एक किसान बना करके हमारा यहाँ अधिक रेट में माल खरीदाएगा और हमारा लाइसेंस देखा देखी बेगर जाँच किए पड़ताल किए लाइसेंस रद्द किया। आज जनता खाद बीज भंडार का देखा जाए, जब वो मशीन से माल काटा, वो किसान उठाया, वो किसान 500 में जाके बेचा, उसका ठेला पकड़ लिया, फिर आप कह रहे हैं कि आप दुकानदार माल दिए। जो आदमी आपको पेटिशन मेंटेन नहीं है, हम इतना प्रूफ लेते हैं, इसके बाद भी हम 500 रुपए में यूरिया कैसे बेच देते हैं, हम आपको जवाब दीजिए। और वो किसान आज कह दे कि हमको 500 में यूरिया मिला तो हमारा लाइसेंस रद्द हो जाएगा। हम आपका अंगूठा लिए हैं, मोबाइल नंबर लिए हैं, आपका रजिस्टर पे साइन करवाए हैं, मैसेज मोबाइल में जाता, इतना प्रूफ के बावजूद भी हम कुछ नहीं है, और आप एक बार बोल दीजिए 500 में यूरिया, हमारा लाइसेंस रद्द हो जाए। मैं इनका जांच करवाना चाहता हूं, मैं वरीय पदाधिकारी से कहना चाहता हूं कि हमारे रिटेलरों की या तो जान को मुहिम में मत डलवाइए या नहीं तो हमारा सुरक्षा दी। दो ही बात, रेट में दीजिए माल, हम रेट में बेचेंगे। हमको 5% केवल बेनिफिट चाहिए, मैं 10% लेना नहीं चाह रहा हूँ, मैं 5% लेना चाह रहा हूँ। हमको जितना में खरीद आता है, जितना किराया पड़ता है, जितना मेरा कूली भाड़ा है, वो काट करके हमको 3% भी दे दे, मैं खुश रहूंगा, और मैं रेट से बेचूंगा, मैं ये वादा करता हूँ। मैं सारे रिटेलर के हिस्से से बोल रहा हूँ, मैं अपने रेट से माल बेचूंगा, कभी मैं कभी ब्लैकमेल करूं तो मुझे फांसी दे देना। मैं ऐसी बात करता हूं, मैं मिंटू बीज भंडार प्रोप्राइटर संजीव कुमार चौधरी, लक्ष्मीपुर भगवती कुमार मधेपुरा। ये समस्या थी, अब समस्या ये भी आती है कि मधेपुरा के जो पदाधिकारी हैं, कभी जज बन जाते हैं तो कभी वकील बन जाते हैं, कभी पदाधिकारी बन जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर दुकान सील हो गया तो कानून निकल जाता है, जज बन जाते हैं कि दफा लगा देते हैं, थानेदार भी खुद बन जाते हैं कि दुकान सील करने में उनका मदद करते हैं। अब बड़े पदाधिकारी है, बड़ी बात होती है बड़े पदाधिकारी की। अगर इस पर जाँच किया जाए तो मुझे लगता है, जहाँ तक की हमारी बात है, कि जब तक कोई दुकानदार जो बिहार सरकार से अटैच है या जीएसटी या जीएसटी देते हैं, उनका लाइसेंस बनाओ, उनका दुकान सील करने के लिए सबसे पहले नोटिस आता है। हम उन दुकानदार से मिलना चाहेंगे जिस दुकानदार का सील हुआ है, लाइसेंस रद्द किया गया, क्या डीओ साहब कोई नोटिस भेजे थे या अपने मन से दुकान सील कर, या मास्क खोल लीजिए ताकि जनता ये भी देखे कि कोरोना के साथ साथ किसान के जो दुकानदार होते हैं, जो खाद वगैरह देते हैं, उन पर भी अत्याचार हो रहा है और होता आ रहा है, क्योंकि ये बिहार सरकार सुशासन बाबू का राज है, खास करके मधेपुरा जिला की अगर हम बात करें। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अरुण कुमार हुआ। क्या समस्या आई थी आपके साथ, ये बताइए? समस्या यही हुआ कि वहाँ राजनीतिक लोग जो है हम पे इंजाम लगाया कि ये 500 रुपया बोरा बेच रहा है, बाहरी जिला का दे रहा है, तो इंजाम तो लगाया सही है, लेकिन जो पदाधिकारी जांच में गए वो तो मशीन हमको पॉस मशीन दिया, मशीन से बेचने के लिए खाद, जितना खाद वहाँ से आता है मशीन में आता है और मशीन से हम लोग बेचते हैं, बाहरी जिला के दे नहीं सकते हैं, अगर देंगे भी तो उसका भी मशीन पर अंगूठा लेंगे। वो भी जाँच करता जो है सही, उसको दिया है ये, अगर 500 से दिया उसको दिया है, रजिस्टर भी रहता है, सबका साइन मोहर रजिस्टर पर भी करवाते हैं,
अगर वो पहले जांच होना चाहिए था, उससे पहले मेरा लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। मतलब वहाँ राजनीतिक लोग सब अपना एक पिटीशन बना करके सब जैसे वहाँ फैक्स किया जो किए होंगे, हमको एक घंटा का मौका नहीं दिया अपना सफेटी में कुछ बोलने के लिए, और उससे पहले मेरा लाइसेंस हम पे मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने का मतलब है इसमें जो धारा लग जाता है 7EC और लाइसेंस रद्द हो जाता है, लाइसेंस भी रद्द हो गया मेरा। कोई नोटिस वोटिस आया? कोई नोटिस नहीं आया। आपको पता है कि नोटिस भी आता है कुछ भी रद्द करने से, सरकारी कोई भी काम हो स्पष्टीकरण पूछता है नेपाल से, स्पष्टीकरण आपको कोर्ट में खड़ा किया जाता है, आपसे पूछताछ होगा, तब आपको कोर्ट अगर आदेश देता है तब आपका जाके दुकान या जो भी अन्यथा सरकारी चीज हो तब जाकर के आपका रद्द हो सकता है, सील हो सकता है। अन्यथा अगर बड़े पदाधिकारी अपने मर्जी से अगर सील करते हैं तो पता है मात्र कोर्ट के हिसाब से सिर्फ 72 घंटा आपका दुकान सील रहेगा, उसके बाद आप एक नोटिस लगा करके दुकान को खोल सकते हैं, ये कोर्ट का आदेश है। मगर ये जो खाद दुकानदार है जिनके साथ ये समस्या हुआ, अब ये लगता है कि यहाँ पे जज वगैरह नहीं है, क्योंकि बड़े पदाधिकारी ही सारा काम कर लेते हैं, कभी जज बन जाते हैं, कभी दरोगा बन जाते हैं, कभी बड़े पदाधिकारी बनते हैं। अच्छा ये बताइए डीओ साहब तो फिर जिला बुलाए होंगे? नहीं, वो हमको जिला नहीं बुलाए थे, यहाँ से प्रखंड अध्यक्ष गए थे, प्रखंड के मतलब बीओ साहब गए थे वहाँ दुकान पे जी, और उसको भी पॉस मशीन में माल नहीं मिला, पॉस मशीन जीरो था, और जो वहाँ पर दो आदमी इंजाम लगा रहा था वो बार बार कर रहा था जो हमको ये उड़िया नहीं दिया। अगर उसके बाद को वो ध्यान में लिया, मेरे बात को कुछ ध्यान में नहीं लिया, जो कि हम लोग जो भी दुकानदार है उससे जुड़े रहते हैं सब दिन, हम लोग का कुछ नहीं सुनता है। अगर कोई फोन भी कर दे जहाँ 500 रुपया में उड़िया दे रहा है या 300 रुपया में उड़िया दे रहा है, तुरंत वहाँ से लाइसेंस को रद्द कर देता है। अगर कोई वीडियो ही बना के डाला है तो वो साजिश के तहत भी जैसे किसी से भी लेता है उड़िया, कोई दूसरा आदमी रख लेता है वो भी उड़िया बेच लेता है। आखिर ये तो मैं दुकान से अगर हमारा मशीन वो शो करता हम दिए हैं उसको तब मेरा लाइसेंस रद्द होना था, लेकिन वो चीज कुछ नहीं जाँच किए हुए आपका लाइसेंस। हाँ हाँ, वो कोई जाँच नहीं। क्या मांग करते हैं बड़े पदाधिकारी से? हम मांग यही करते हैं जो मतलब एक बार जांच किया जाए, जो मतलब वो आदमी को हम दिए हैं कि नहीं दिए असल में, अगर दिए होंगे तो मेरा लाइसेंस को रद्द किया जाए। सबसे बड़ी बात है अगर मधेपुरा जिला की बात करूं, कुमारखंड प्रखंड की बात करूं, तो 21 पंचायत है, 21 पंचायत में लगभग 100-150 लोग ऐसे हैं जो लाइसेंस के साथ दुकानदार अपना दुकान खोलते हैं। उसके साथ समस्या क्या होता है हम बताते हैं आपको, थोड़ा सा डिटेल और थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार 13 प्रखंड है मधेपुरा जिला में, और सबसे जो भ्रष्टाचार होता है ना, जिसको हम लोग घूस कहते हैं, जिसको हम लोग इनकम कहते हैं, ब्लैक मनी कहते हैं, वो हमारे कुमारखंड के अंदर में होता है। अगर ये दुकानदार भाई है, ये दुकानदार का नाम क्या नाम बताया आप? मेरा नाम अरुण कुमार, अरुण कुमार जी है। और अगर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर हमारे ऊपर कोई बड़े पदाधिकारी केस भी कर दे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ साफ बोलता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि ये दुकानदार अगर उस टाइम पैसे का डिमांड कर देता तो आज इसका दुकान सील नहीं होता, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारा मिल रहा है, सारा चीज हो रहा है, मगर फिर भी खाद इनको सही रेट पे नहीं मिलता है। अगर सही रेट पे खाद इन लोगों को मिले या होलसेलर वाला इन लोगों को सही रेट से दे तो आज हमारे बिहार के अंदर किसान नहीं मरेंगे। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये लोग बिजनेस करते हैं, अगर बिजनेस करने में अंबानी को 200 रुपये का भी घाटा लगता है ना जाने वो अब तक तख्ता पलट डालते, मगर इन लोगों से जानेंगे कि अब तक कितना नुकसान हुआ है। अभी तक मान के चलिए कि एक एवरेज A1 बैग का लीजिए, एक बोरा का लीजिए, तो अभी के समय में हमको लग रहा है कि कम से कम हम लोग 25-30 रुपया नुकसान में धंधा कर रहे हैं, और किसान अपने अधिकार के लिए वो भी लड़ता है, उसका भी लड़ना सही है, लेकिन ये कब तक ये काम सही चलेगा? अच्छा जरा होलसेलर लोग, होलसेलर का भी नाम बता दीजिए हमारे कैमरा के सामने कि कौन कौन होलसेलर से आप लोग खाद आता है। अब जैसे मधेपुरा में है 3-4 होलसेलर हैं, बालाजी हैं, मनोज हैं, दिलीप जी हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं मुरलीगंज में कृषि विकास केंद्र है, महावीर ट्रेडर्स आलमनगर, ये सारे होलसेलर हैं हम लोगों का। अच्छा आप ज़्यादातर कहाँ से लाते हैं? यहाँ कृषि विकास केंद्र से लेते हैं, महावीर ट्रेडर्स आलमनगर से लेते हैं, इससे पूर्व में मनोज एग्रीकल्चर मधेपुरा से जब लेते थे। जब मुरलीगंज में गए तो वहाँ पे कितना रेट में मिला? तो इससे पहले तो वही 260 में मिलता था, अभी कितना मिला? अभी फिलहाल तो 290 में मिला है, 290 मिला। ये समस्या अब खाद दुकानदारों पे भी आ गया, अगर खाद दुकानदार को 290 रुपये में यूरिया मिलता है तो किसान को 300 रुपये में नहीं देंगे तो इनका पेट नहीं चलेगा, अब पेट नहीं चलेगा तो फिर खेत कैसे चलेगा?
सबसे बड़ा बात है। और सरकार और सरकार के जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उनसे हमारा अनुरोध है और निवेदन है और रिस्पेक्ट भी करते हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि इन गरीब के पेट पर लात ना मारे, क्योंकि अब जागरूक हो गई है जनता और जनता ये भी जानने लगी है और जो रिटेलर जो दुकानदार या जो भी बिजनेसमैन है वो ये समझने लगे हैं कि अगर आज हम पीछे हटेंगे तो अंबानी के तरह आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कमी इन लोगों में भी है, ऐसी बात नहीं है कि हम बड़े पदाधिकारी को भी दोषी देते हैं। कमी इन लोगों में क्या है कि अगर यूरिया कोई भी दुकानदार हो, बहुत सारा ऐसा शिकायत हुआ मगर इस चीज़ का कोशिश नहीं करेंगे, मगर सबसे बड़ी बात पर कमी क्या बता दे रहा हूँ मैं, कोई भी बड़े पदाधिकारी इन लोगों के दुकान पर आते हैं, इन लोगों को अगर धमकी दे दें कि तुम्हारा लाइसेंस बंद कर देंगे, तुम्हारा लाइसेंस रद्द करवा देंगे, तो पता है जुबान खुलने से पहले पदाधिकारी के जेब में 2 लाख रुपए पहुंच जाता है। ये गलती इन लोगों का है। और हम इन लोगों से यही कहेंगे अगर कोई बड़े पदाधिकारी आपको रद्द लाइसेंस रद्द दुकान ऐसे सील नहीं कर सकता, तो ये समस्या था इन रिटेलर का जो कुमारखंड प्रखंड में आज कैंपस महर्षि मई स्कूल के अंदर जो आज ये लोग मीटिंग किए हैं। कमी ये है कि उचित रूप से जिस तरह का यूरिया का 266 रुपया 290 में मिलता है, 280 मिलता है, तो ये नहीं होना चाहिए। हम बड़े पदाधिकारी से कहेंगे कि इन लोगों की समस्या सुने और हम अपने बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी कहेंगे कि जरा सा इन लोगों का भी समस्या रखे, क्योंकि इन लोगों से ही किसान है और किसान से ये लोग हैं। अगर ये लोग नहीं बेचेंगे तो किसान नहीं जी पाएगा। तो आप देखते रहिए हमारे साथ, जयराम के साथ, पीडी न्यूज़ मधेपुरा।